गुड आफ्टरनून बच्चों, आज क्लास टेंथ में कल हमने आपको लेंस के विषय में बताया था कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस की परिभाषा कितनी होती है, क्या होती है। और लेंस दो भाग दो प्रकार बताया था, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो आइए हम समझते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे आपको प्रकाशी केंद्र किसे कहते हैं, फोकस प्रथम फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, आज हम इन तीन चीजों पर समझेंगे, इन तीन चीजों पर चर्चा करेंगे। भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो परिभाषा देखते हैं क्या दिया है कि एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाले प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अगर यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है, वक्रता त्रिज्याएं बराबर है, तो लेंस का मध्य बिंदु ही प्रकाशित केंद्र होता है। कहने का मतलब है ये उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। अब अगर यह त्रिज्या और यह त्रिज्या अगर ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, प्रकाश किरण जब पड़ेगी तो यह बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो जिस बिंदु से होकर जाती है यानी वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र है उसी बिंदु से होकर जाएगी अगर त्रिज्या बराबर है, तो यही वक्रता केंद्र ही क्या कहलाएगा, हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। कहने का मतलब कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर चली जाती हैं, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसी तरह ये उत्तल लेंस में हो गया और ये अवतल लेंस में। अब इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से प्रतीत होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम देखते हैं ये उत्तल लेंस का चित्र हमने बनाया है, मानते हैं इस बिंदु से, मानते हैं क्या है, इस बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रही है, क्या हो गया, प्रकाश की किरणें निकल रही है। जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो ये क्या है, उत्तल लेंस पर जाती है, ये उत्तल लेंस पर जा रहे हैं और उत्तल लेंस पर जाती है तो जाने के बाद क्या होती है, ये विचलित होकर के इस मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर सीधी निकल जाती है। जब ये प्रकाश की है तो सीधे निकल जाती है, प्रकाशित होते हुए जाती प्रतीत होती रहती है या तो फिर समांतर हो जाती है, यानी यहाँ पर आती है तो समांतर इसके मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, तो यह जो जिस बिंदु से यह प्रकाश की किरण निकल रही है वही बिंदु ही इस उत्तल लेंस या अवतल लेंस का क्या कहलाएगा, फोकस, प्रथम फोकस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। और कहने का मतलब लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां पर देख रहे हैं ये किरणें यहां से निकल यहां पर जाते हुए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो ये किरणें या बिंदु क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। फिर अब अगला क्या हमारा फोकस दूरी, अगला क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा प्रथम फोकस तक के दूरी के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कहने का मतलब देखो ध्यान से कि यह क्या हो गया, हमारा प्रथम फोकस हो गया और ये जो हमारा बिंदु है यहाँ से किरण अगर निकल रही तो यह क्या हो गया, हमारा प्रकाशित केंद्र हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अगर हम मानते हैं इसको एफ है और यह सी है तो सी एफ को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। CF को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। यानी CF C से लेकर F तक के बीच की दूरी जितनी होगी वह हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं प्रकाशित केंद्र क्या था, एक पतले लेंस का प्रकाशित केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाले प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। जैसे सीधे निकल जा रही है तो यह बिंदु क्या होता है, प्रकाशित केंद्र कहलाएगा। मुख्य फोकस क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर क्या होती है, मुख्य अक्ष के
समांतर होती है, लेंस पर जब जाती है किरणें और यह जाती है अपवर्तित होकर के किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये यह जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। और प्रथम फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, आप इसको उतार लीजिए, अपने नोटबुक भी बना लीजिए, बाकी जो चीज समझ में न आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।